देखिए कितना क्रंची बना है। इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से एकदम क्रंची। अरवी के पत्ते का पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है ये अरवी का पत्ता है। ये बहुत छोटा छोटा है, सर्दियों का मौसम है इसलिए ये गलने लगता है ठंड से। तो ये थोड़ा सा मेरे पास था तो मैं सोची चलो एक रेसिपी आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये पत्ते बहुत बड़े नहीं हैं इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में, मतलब इसको एकदम चॉप, फाइन चॉप कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ चॉप करके कि कितना फाइन चॉप करना है। ध्यान रहे इसको चॉप करने से पहले हमें इसको अच्छे से धो लेना है क्योंकि इस पर गंदगी, धूल मिट्टी चिपकी रहती है। तो दो तीन पानी से अच्छे से धुल लेना है फिर इसकी कटिंग करनी है। ये फ्रेंड्स मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है, बारीक काट लिया है। और ये देखिए आप सोचेंगे ये पत्ता मैंने क्यों बचाया है, तो पत्ता इसीलिए मैंने दिख रखा है कि आपको मैं दिखा सकूं कि ये पत्ते दो तरह के आते हैं मार्केट में। एक तो ये ज़्यादा डार्क वाले पत्ते आते हैं और एक इससे लाइट ग्रीन रहता है। ये पत्ता जो होता है ना इसमें कम मसाले से भी ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसका जो ये कॉर्नर का ये पीछे वाला हिस्सा है इसमें कटिंग ज़्यादा होती है, वो थोड़ा कम कटिंग वाला होता है। तो जब भी आप बनाइएगा तो आप पहले पहचान लीजिएगा कि ये कौन सा पत्ता है, क्योंकि वो जो पत्ता होता है वो गला पकड़ता है और उसमें मसाले कुछ अलग और कुछ ज़्यादा पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पत्तों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे मसाले की क्वांटिटी और मसाले की वैरायटी। तो हम इसके लिए दिखाते हैं हमें क्या क्या मसाले चाहिए, मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। हमने लिया है एक मिक्सर जार और ये जो है ये चावल है जिसको हमने 2 घंटा पहले भिगो दिया था, ये 1 कटोरी चावल है। तो इसको हम अपने इस मिक्सर जार में डाल देंगे, ये देखिए। तो हमें जो मसाला चाहिए वो सूखी लाल मिर्च, अगर जो आपको सूखी लाल मिर्च खाना पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना बहुत तेज़ वाला टेस्ट आता है। और ये हमने लिया है 1.5 चम्मच के करीब धनिया, साबुत धनिया है, इसको भी हम इसी में डाल लेंगे। और ये हमने लिया है 1 मुट्ठी लहसुन जिसको अच्छे से छील लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और अब हमें लेना है 1 चम्मच भर के जीरा, ये देखिए ये हमने जीरा ले लिया। और ये 10-15 काली गोल मिर्च है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और जो मसाले अभी और हमें डालना है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तब तक इसको मैं पीस लेती हूँ। और इसमें मैं 1 चम्मच के करीब पानी डाल दूँगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मसाला हमने पीस लिया, अब इसको हम करते हैं साइड में और ये अपना पत्ता लेते हैं। और पत्ते में इन मसालों को अब हम सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स ये पत्ते जो हैं अलग अलग तरह के आते हैं मैंने बता ही दिया, तो मसाले का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है नहीं तो ये टेस्टी नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स अब हम डालेंगे ये 1 कटोरी बेसन है और अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये देखिए। अब हम डालेंगे ये 1 चम्मच, छोटा चम्मच है, ये चाट मसाला है। इसमें साबुत जीरा भी डाल देंगे। अब डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। अब हम डालेंगे ये हींग 2 से 4 पिंच है। अब डालूंगी ये हरी धनिया की पत्ती, ये देखिए इसको अच्छे से इसमें डाल दूंगी। और सबसे लास्ट में मैं जो डालूंगी वो है ये नींबू जो इसके टेंगीपन को बढ़ा देगा। इसकी बीज हमने अच्छे से निकाल दिया है, इसमें ज़्यादा खट्टापन की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम खटाई या आमचूर ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो अरवी का पत्ता है बहुत जल्दी सॉफ्ट होगा और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसमें गला नहीं पकड़ता है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए। अगर जो इसमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हम अलग से डाल लेंगे, लेकिन वैसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये हरे जो पत्ते हैं नमक के साथ थोड़े अपने भी पानी रिलीज करते हैं, तो आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा सा कम ज़्यादा बेसन कर सकते हैं अगर जो आपको बेसन ज़्यादा पसंद है,
इसमें तो बेसन ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा बेसन पड़ जाएगा तो इसका स्वाद दब जाएगा, इसीलिए हिसाब से अपना बेसन मैं डाली हूँ। और चावल का आटा भी आप ले सकते हैं इसके लिए, लेकिन चावल के आटे से उतना क्रिस्पीपन नहीं आएगा। चावल अगर जो भिगो के आप पीसेंगे तो उससे ये क्रिस्पी ज़्यादा बनेगा। मेरे पास चावल का आटा था लेकिन मैंने उसको नहीं इस्तेमाल किया, चावल जो है साबुत चावल उसको भिगो के फिर उसको इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और ये पत्ते जो हैं नमक से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप एक कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं तो उसके डबल दो कटोरी आप बेसन लीजिएगा, क्योंकि चावल से ज़्यादा बेसन हम इसमें डालेंगे। चावल तो इसके क्रिस्पीपन के लिए हम डालते हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है अच्छा। तो हमने इसको तैयार कर लिया, अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। फ्रेंड्स ये देखिए हमने गैस ऑन करके अपना ये फ्राई पैन रख लिया है, ये फ्राई पैन गर्म हो रहा है और हमने जैसा बताया था कि हम इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस एक चम्मच तेल से ही हम बनाएंगे, क्योंकि शुगर के जो मरीज़ होते हैं या हार्ट के मरीज होते हैं, बीपी के मरीज होते हैं, उनको तेल ज़्यादा डॉक्टर मना करते हैं कि ज़्यादा तेल आपको नहीं खाना है, तो उनका भी मन होता है कुछ टेस्टी खाने का, तो इसीलिए ये कम तेल में मैं बना रही हूँ और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनेगा। आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए कैसे मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैं अपने हाथों में ऐसे तेल लगा लूँगी और इसमें से एक छोटा सा बॉल लेना है ऐसे गोल सा, और इसको गोल कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम लड्डू की तरह गोल करना और हल्के से इसको प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे गोल शेप देके मैं इसको फ्राई पैन में डालूँगी। ये देखिए हमारा फ्राई पैन अब गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐसे डाल दूँगी। ऐसे ही आपको भी डालना है, एक एक करके मैं इसमें डालूँगी, हल्के से ऐसे प्रेस कर देना है इसमें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स अब हमने इसमें डाल दिया, अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे, फिर चेक करते हैं। इसे हमने ढक दिया, ये एकदम लो फ्लेम पे है, अगर जो फ्लेम हाई रहेगा या मीडियम रहेगा तो जल जाएगा, इसलिए हमें लो फ्लेम पर रखना है। फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं अपना ये देखिए ये ऊपर से इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है, और इसको पलट के देखते हैं ये ऊपर से भी हल्का सा कुक हो गया है। ये देखिए कितने अच्छा कलर आ गया इसका। ये देखिए ऐसे ही पलट लेंगे और बैक साइड में भी हम इसको ऐसे ही रोस्ट होने तक पकाएंगे और इसको फिर हम ढक देंगे। फ्रेंड्स अगर जो आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें थोड़े से, बहुत थोड़ा सा ऐसे कटोरी में पानी लीजिए और पानी का छींटा हल्का हल्का मार दीजिए साइड में, ऊपर नहीं, ध्यान रहे इसके साइडों में हल्का हल्का ऐसे छींटा मार देंगे तो ये अच्छे से इसमें कुक हो जाएगा और फिर हम इसको ढक देंगे। फिर एक बार चेक करते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छे से हो गया है, इसके बैक साइड भी क्रिस्पी हो गया है, ये खूब अच्छे से हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल एक चम्मच तेल में कितना अच्छे से ये कुक हुआ है, तो हम इसको निकालते हैं एक एक हम इसमें निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच इसमें डाल के पकाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल हम इसमें डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और फिर एक एक करके इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे भी हम ढक देंगे और थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी बन के हो गया रेडी। कि अगर जो इसमें कुछ लगे कि आपको इसी साइड अभी थोड़ा सा अच्छे से कुक नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि पानी के छींटे से ये बहुत अच्छा कम तेल में पक जाएगा और इसको हम ढक देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सारे मैं अरवी के पत्तों को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारे अपने अरवी के पत्तों को बना लिया है और ये देखने में
लग रहा है अभी एक चम्मच तेल में बना है, बिल्कुल नहीं ना। तो देखिए मैं आपके सामने बनाई हूँ और कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल एकदम क्रंची है। और ये देखिए आप इसे रेड सॉस के साथ, ग्रीन सॉस के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ या चाय के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे दाल चावल के भी साथ खा सकते हैं, सलाद के रूप में या पापड़ के रूप में। तो फ्रेंड्स अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।